ना ये किसानों के हैं, ना ये नौजवानों के हैं, ना ये गरीब के हैं, ना पिछड़े के, ना ओबीसी, ना मुसलमान के। देश में जो जो सेकुलर लोग हैं उनके किसी के नहीं है। जो ये कहिए ना, आपने 10 साल के अंदर आपने इस देश को क्या दिया? जो आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, क्या आपने दिया? आपने 15 लाख का वादा क्या दिया? जुमलेबाज लोग जिन्होंने लगातार जुमले कर देश में झूठ झूठ बोलकर आज सरकार बनाने का काम किया, जब उनको मालूम है 2024 के मैं उनका कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, जब वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सनातन को ला रहे हैं, मंदिर मस्जिद को ला रहे हैं, लगा कि इनकी कुर्सी खिसक चुकी है, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर भेजना है तो मेन मीडिया पर जाइए, जो नफरत फैला रहे हैं सुबह शाम, उनके यहाँ उनके चैनल बंद कराइए ना, बड़े बड़े चैनलों को बंद कराएंगे तो हम कहेंगे निष्पक्ष जांच हो रही है। जो ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का सवाल उठाते हैं, हम लोगों का सवाल उठाते हैं, इस देश की जनता का सवाल उठाते हैं, उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। जो लोग लिंचिंग करते हैं उनको वेलकम करने का काम कौन सी पार्टी करती है? उनको माला पिराने का कौन सा काम करते हैं? उनका स्वागत करने का काम कौन करते हैं? आप सबको पता, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उनका स्वागत करते हैं। देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री डर चुके हैं, इनको मालूम है इनकी 2024 में हार हो रही है। जो लगातार पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाने का काम करते हैं, आंखों में आके डाल के सवाल पूछने का काम करते हैं, जो देश के अंदर सरकार बैठी हुई है, इसलिए इन पे इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और हम कह रहे हैं आप अगर कार्रवाई करते हैं, व्यापम घोटाले में कितने लोगों की मृत्यु हुई आपको मालूम है, उस पर क्यों नहीं ईडी भेजते? क्यों नहीं आप लगातार ईडी भेजे? जब अजीत पवार को शामिल करते हैं, एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसे भ्रष्टाचारी को हम जेल में डालने का काम करेंगे, अगले दिन क्या करते हैं, उनको अपनी पार्टी में लेके मंत्री बनाने का काम करते हैं। इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है। देश में आज जो नफरत की राजनीति इन लोगों ने पैदा कर दी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति इन लोगों ने पैदा कर दी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर दी है। कभी आपने देखा देश के प्रधानमंत्री लगातार क्या काम करते हैं? सनातन धर्म को लेके आ जाते हैं, मुझे ये कह दिया। अरे ये कहिए ना, आपने 10 साल के अंदर आपने इस देश को क्या दिया? जो आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, क्या आपने दिया? आपने 15 लाख का वादा क्या दिया? देखिए, विपक्ष खट्टा क्यों हो रहे हैं, उनको मालूम है कि जो ये विचारधारा वाले लोग हैं, जो नफरत की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, ऐसी विचारधारा के खिलाफ इंडिया अलायंस बना है, जिसमें चाहे वो केजरीवाल जी ले लीजिए, अखिलेश यादव जी ले लीजिए, राहुल गांधी जी ले लीजिए, हर पार्टी एक साथ है, मजबूती से खड़ी है। आप कितने लोगों को ईडी को भेजकर, कौन नेता है इसमें इंडिया अलायंस में? ये पहली बात तो आपने सवाल ही गलत, मुसलमानों के नेता का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। आप समझ गए? आप हमेशा करते होंगे हिंदू मुसलमान, आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, ये देश का मामला है। अगर देश के लोगों की बात करोगे, उसमें हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा, सारे लोग उसके अंदर आएंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी का सवाल है आपका, जो आपने अभी करा है, ये वही करते हैं कि मुसलमानों की इतनी आबादी हो गई और देश के अंदर हिंदुओं की हो गई। हम ये कह रहे हैं अगर आप देश को साथ लेके चलते तो सबसे पहले हम आपके साथ खड़े होते। आप हमेशा से 80-20 की बात करते हैं, आप हमेशा से हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कब्रों और शमशान की बात करने वालों से हमसे क्या अंदाजा लगाएंगे? और आपने देखा नहीं संसद में किस भाषा का यूज किया, और उस सांसद को इनाम देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में उसको प्रभारी बनाकर जता दिया कि जो मुसलमानों को लगातार आतंकवादी कहेगा, मुसलमानों को उग्रवादी कहेगा, जो मुल्ला कटवा कहेगा, उनको जिम्मेदारी देकर हम लोग जो है लगातार अब प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, देख लेना। परिवार को बचाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। परिवार को बचाने नहीं, देश के बचाने की बात है। परिवार की बचाने की किसकी बात है मुझे बताइए? इस देश में चाहे वो हमारा गांधी परिवार हो, देश में देखिए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी, और इंदिरा गांधी जी ने ये वो परिवार है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। और आज जो सत्ता में बैठे हैं, आप मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल है कि किन किन लोगों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी? बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो लोग हमेशा से गुलामी करते थे अंग्रेजों की, जो उनसे माफी मांगने का काम करते हैं, आज वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मोदी जी कह रहे देश के लिए खाली परिवार छोड़ दिए है। देखिए, देश के लिए परिवार नहीं छोड़े, वो लोग हैं संघ से जुड़े हुए लोग जो हमेशा नफरत की बात करते थे। आपने देखा होगा किस तरीके से गुजरात के अंदर क्या हुआ, हम उन बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपको वाकई में देश का प्रधानमंत्री की बात है तो सबको साथ लेके चलना चाहिए था। लेकिन आप आज ने 10 साल के अंदर आपने ऐसी नफरत पैदा कर दी देश के अंदर कि आप दे मॉब लिंचिंग का हमने नाम तक नहीं सुना था। जब से मोदी जी सरकार 2014 के बाद आई है, अखलाक पहलू और जो है जुनेद, ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं जो मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर, नारे के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर इस देश में नफरत पैदा की जा रही है। वो कहाँ से नफरत आ रही है? वो वहां से आ रही है जिस तरीके से ये सांसद संसद में इस तरीके की बात कहते हैं। एक एमपी को, जो चुनाव एमपी है, जिसको 14 से 15 लाख लोग चुनते हैं, उसको आतंकवादी कहने का काम करते हैं, उसके बाद उसको पार्टी नहीं निकालती है ना संसद में। ओम बिरला जी जैसे पिछली बार आपने देखा, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने का काम किया, संजय सिंह को सस्पेंड किया, राघव चड्ढा को सस्पेंड किया, छोटी छोटी बातों पर, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई वार्निंग देकर छोड़ने का काम करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए,
क्या मामला है, ना सुप्रीम कोर्ट के रूल को मानते हैं, ना देश के कोई भी संविधानिक मामले में ये लोग नहीं मानते, अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग जो है 14 के बाद आई है, लेकिन झारखंड राजस्थान में किसकी सरकार है आपको पता है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमको मालूम है। तो वहाँ पे भी लिंचिंग हो गई है। देखिए मैं लिंचिंग जहाँ भी हो, बिल्कुल सुनिए, जहाँ लिंचिंग हो हम चाहे किसी की भी सरकार हो, हम ये नहीं है अगर सरकार की बात होगी तो उसके साथ खड़े होंगे, अगर वहाँ गलत हो रहा तो गलत कहने का काम करें। लेकिन हमारा सवाल ये है, जो लोग लिंचिंग करते हैं उनको वेलकम करने का काम कौन सी पार्टी करती है, उनको माला पहनाने का कौन सा काम करते हैं, उनका स्वागत करने का काम कौन करते हैं? आप सबको पता है भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उनका स्वागत करते हैं। मौजूदा सरकारें किसकी हैं आपको भी अंदाजा है? अगर देखिए प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी जी हो, और कोई भी विपक्ष का नेता हो, जब मॉब लिंचिंग होती है तो वो ट्वीट करने का काम करते हैं, उसके घर जाने का, उसको चेक देने का काम करते हैं, उसके परिवार का सम्मान करने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग, मैं बता रहा हूँ, फर्क सुन लीजिए एक मिनट, मैं फर्क बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ इनकी सरकार होती है यहाँ ये क्या काम करते हैं, और मारो प्रमोट करते हैं मॉब लिंचिंग को। तो इससे आप करिए, मैं यही सवाल है मेरा, जो लोग जो देश की महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान लोगों ने कब किया बताइए? ब्रजभूषण आज भी एमपी बना बैठा है, जो देश की पहलवान है, जिन लोगों ने देश के लिए मेडल जिताने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ सेल्फी खिंचाने का काम कर रहे थे, जब वो बैठी हुई थी जंतर मंतर पर, उनका साथ देने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने उसका काम साथ देने का काम किया। वो मैं रिजर्वेशन की बात करते हैं, 2010 के अंदर राज्यसभा में पास किसने कराया? कांग्रेस ने कराया। लेकिन अब ये जानबूझ के एक लॉलीपॉप देने के, इनको मालूम है कि इनकी कुर्सी खिसक चुकी है, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल खान जी एक सवाल ये है कि जब नासिर जुनैद का हत्याकांड हुआ था उस वक्त 25-25 लाख रुपए दिए गए थे, तब भी कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, और अभी जो इकबाल हत्याकांड हुआ उसमें 50 लाख क्यों? देखिए मेरी 50 लाख का फर्क चुनाव के करीब होने की वजह से, देखिए चुनाव का कोई मसला नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव को देखते हुए नहीं कर रही है। अगर 25-50 लाख दे लिए तो आज उनके पेट में दर्द किनके हो रहा है? विपक्षी लोगों के, जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाने का काम कौन कर रहे हैं? ये सवाल आप जैसे लोग उठा सकते हैं, भाई साहब अगर उसके परिवार को 50 लाख मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर 25 लाख मिल रहे हैं तो कुल मिल रहा है ना, लेकिन वो कौन सड़कों पे कौन आ रहे हैं? वो लोग ये आ रहे हैं कि मुसलमान के यहाँ मामले जी उसको क्यों दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया? अगर सरकारें दे रही हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कहीं सबके लिए जा रहा है ना, लेकिन इनका सवाल उठाने का काम इन लोगों का होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको, आज सुरक्षा अपनी भी करनी चाहिए, आपको क्या है? देख लिए देश के पत्रकारों को घसीटा जा रहा है, जो सच्चाई की आवाज उठाते हैं, चाहे जैसे आप जैसे लोग हों जो यूट्यूब पर, उनको विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं। देखिए आप देखिए, सरकार तो ये भी कहती है कि देश के अंदर लगातार ये लोग ऐसा काम करें, देश गति गति सरकार ने तो क्या क्या नहीं कहा, आपको मालूम है सरकार के आंकड़े पता है? सरकार तो ये भी कह रही है 2 करोड़ युवाओं को, 25 करोड़ युवाओं को, और 1,000 करोड़ लोगों को दे दिया। इस देश की आबादी कितनी है? सरकार का झूठ इतना है, देश के गृह मंत्री लगातार झूठ बोलने का काम संसद से भी करते हैं, संसद के बाद ये जुमलेबाज लोग जिन्होंने लगातार जुमले कर देश में झूठ झूठ बोलकर आज सरकार बनाने का काम किया, जब उनको मालूम है 2024 के में उनका कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, जब भी वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सनातन को ला रहे हैं, मंदिर मस्जिद को ला रहे हैं, लगातार मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, पसमांदा मुसलमानों को आगे कर रहे हैं, उनको सांसद विधायक बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। सांसद मुसलमानों की बात करते हैं तो आज संसद के अंदर जो मुसलमान सांसद दानिश कुवरअली नहीं दिखता, उनकी बात क्यों नहीं आज तक देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी? किसान नहीं दिखते? किसानों को 1 साल बिठाया, कितने किसानों की शहादत हुई, उस पर कोई क्यों नहीं बोला? ना ये किसानों के हैं, ना ये नौजवानों के हैं, ना ये गरीब के हैं, ना पिछड़े के, ना ओबीसी, ना मुसलमान के, देश में जो जो सेकुलर लोग हैं उनके किसी के नहीं है, जो कट्टरवाद लोग हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं उनके साथ खड़े होने का साथ देते हैं, उन लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। अरे न्यूज क्लिक की कार्रवाई पे आप लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, मेन मीडिया में तो जश्न का माहौल है एकदम। देखिए यही तो है, सच्चाई की आवाज उठाने वालों को दबाने का काम कौन करते हैं? ईडी भेजने का काम करते हैं, दिल्ली पुलिस भेजने का काम करते हैं। अगर भेजना है तो मेन मीडिया पर जाइए, जो नफरत फैला रहे हैं सुबह शाम, उनके यहाँ उनके चैनल बंद कराइए ना, बड़े बड़े चैनलों को बंद कराएंगे तो हम कहेंगे निष्पक्ष जांच हो रही है। जो ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का सवाल उठाते हैं, हम लोगों का सवाल उठाते हैं, इस देश की जनता का सवाल उठाते हैं, उनको बंद करने का काम कर रहे हैं तो हम सवाल उठाने का काम लगातार करते हैं। अगर बंद करना है तो हमको भी करिए, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ कोई नफरती बात नहीं कर रहे, ना हम किसी समुदाय के बारे में कर रहे, ना किसी इंसान के बारे में कर रहे हैं। वो लोग देश तोड़ने की बात कर रहे थे, देश की तोड़ने की बात क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने एक गरीब बेटी, भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, देश की पहलवानों का सवाल उठा दिया, अगर देश के अंदर बेरोजगारी पर सवाल उठा दिया, एजुकेशन पर सवाल उठा दिया, तो आप उन्हें अंदर डालने का काम करेंगे? जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर सवाल उठा दिया, जो लगातार सताए जा रहे हैं लोग, जो
जो इंसाफ की मांग कर रहे थे उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके साथ लगातार उनको मार मार के पीट पीट के जेल में डालने का काम किसने किया? ईडी भेजने का काम किया। अच्छा, संजय सिंह का पहले तो नाम नहीं था, जब उन्होंने देखा ये इतना बोल रहा है, संसद में भी लगातार सवाल उठा रहा है, और इस वक्त लगातार देख रहे हैं किस तरीके से उसकी, उनकी मैंने स्पीच भी सुनी, उससे पहले भी मैंने स्पीच भरी, तो उनको क्यों अब एकदम से नाम आ गया? पहले तो नहीं था।